कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक युद्ध के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सब कुछ नष्ट होने की कगार पर होता है। तब कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वह सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। इसके कारण पृथ्वी पर बर्फ जमने लगती है। इधर मिस्टर वेलफेड, जो 1001 डब्बों की एक आग ट्रेन का निर्माण करते हैं जिसे स्नोपियर्सर्स कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी पृथ्वी के सभी अमीर लोग इसे अपने लिए बुक कर लेते हैं और बाकी सारे लोगों को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन सभी लोगों को भी इस ट्रेन के बारे में पता चल जाता है, तो वे सभी लोग इस ट्रेन में चढ़ने के लिए याद आ जाए। लेकिन वहाँ कुछ ही लोग बैठ जाते हैं कि ट्रेन रवाना हो जाती है, लेकिन उस ट्रेन में मौजूद पुलिस गार्ड्स कुछ लोगों को वहीं पर मार देते हैं और कुछ को डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। इस ट्रेन में जहाँ ये सब रहते हैं उसे टेल्स यानी कि गंदा इलाका कहा जाता है, और बाकी जहाँ पे अमीर लोग जिन्होंने अपने टिकट लेकर के इस ट्रेन को बुक किया था वो फर्स्ट क्लास होता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की मेलेनी हॉस्पिटल रूम में जाकर इस ट्रेन के सभी पैसेंजर को बताती है कि आज हमें चलते हुए 6 साल 9 महीने और 26 दिन हो चुके हैं और अभी सुबह के 8 बजे और हम कनाडा के जमे हुए यूक्रेन शहर में पहुंच गए हैं। इधर टेल में टिल और ओलिवर गार्ड्स के साथ सभी का भोजन लेकर आते हैं, लेकिन टिल बताती है कि आज उन्हें आधा ही भोजन मिलेगा। ये सब सुनकर सभी टेलिस नाराज हो जाते हैं और गार्ड्स पर हमला करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इसमें पाइक और लीटन भी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन लीटन चाहता था कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें अभी तक इस ट्रेन के केवल 3 डिब्बों के बारे में पता चला है और इससे अधिक हमारे पास जानकारी नहीं है, और डिब्बों के दरवाजे भी केवल 1 मिनट और 10 सेकेंड के लिए खुले रहते हैं। इतने कम समय में इलेक्ट्रिक डिब्बे तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी सभी तैयार हो जाते हैं क्योंकि हर हफ्ते खाने को आधा कर दिया जाता है और औरतों को बाज बना दिया जाता है जिससे कि कोई मां नहीं बन पाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवान, जो कि टेल में सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, वो लीथन को एक चाकू जैसा हथियार देते हुए कहता है कि बगावत कभी बेकार नहीं जाती और मिस्टर वेलफेयर की यह ट्रेन भेदभाव से भरी हुई दुनिया है। उधर मेलेनी अमीरों के खाने की व्यवस्था और सभी को देखने का जायजा लेने के लिए पहुंच जाती है, और तभी मेलेनी रूथ को टेल का जायजा लेने के लिए भेजती है। इधर टेल में सभी हमला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, लेकिन तभी रूथ आती है और बताती है कि मिस्टर वेलफेयर चाहते हैं कि लीथन को इस टेल से बाहर निकाल दिया जाए। इससे सभी टेलीज में हड़कंप मच जाता है। लीथन भी टिल और गार्ड से पूछता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और लीथन को सीधा सैनिटाइजेशन रूप में सैनिटाइज करने के लिए ले जाया जाता है। सैनिटाइजेशन करने के बाद लीथन को एक सुरंग के माध्यम से थर्ड क्लास मेस हॉल में ले जाते हैं, जहाँ ब्रेकमैन रॉस इसे कुछ ब्रेड और सॉस खाने के लिए देते हैं। लीथन ये सब कुछ देखकर ललचा जाता है और उसे खाने के लिए लग जाता है और ऐसे खाता है जैसे उनसे वो कई दिनों का भूखा हो। लीथन, जो कि एक होमिसाइड डिटेक्टिव था, तो रोज चाहते हैं कि लीथन ट्रेन में हुई एक मर्डर की गुत्थी सुलझाए, जिसके लिए मिस्टर रॉस लीथन को मरे हुए सीन और एन वाइंस की बॉडी दिखाते हैं, जहाँ टिल पूछती है कि इसका लिंक किसने काटा होगा और लीथन इसका मजाक उड़ाता है। इससे टिल और ओलिवर नाराज हो जाते हैं। फिर ओलिवर लीथन को मारने लगता है, तभी मिस्टर रॉस और मेलेनी भी वहीं पर आ जाते हैं। मेलेनी लीथन से इसके बारे में माफी मांगती है, तभी लीथन कहता है कि तुम तो वही हो जो स्पीकर पर ट्रेन में बोलती हो। फिर मेलेनी बताती है कि तुम्हें इस केस को सोल्व करना होगा क्योंकि आज से 2 साल पहले एक ऐसा मर्डर हुआ था जिसकी निक्की जूनियर नाम की लड़की ड्रोर में सजा काट रही है। फिर लेथन कहता है कि मैं केस तो ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम सभी टेल की सारी व्यवस्थाओं को पुनः लागू करोगे। पर मेलेनी और रॉच इसकी बात को टाल देते हैं और लेथन को उस कैदी लड़की निक्की जूनियर, जो की ड्रोर में सो रही होती है पिछले 2 साल से, वहां ले जाया जाता है। तब निक्की जूनियर का डॉक्टर कहता है कि वह बेकसूर है, और तभी मेलेनी भी कहती है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस केस को सोल्व करना होगा। लेकिन फिर भी लेथन नहीं मानता है। तब लीथन से कहती है कि अगर तुम इस केस को सोल्व कर दोगे तो तुम्हें टेल्स के बजाय यहाँ थर्ड क्लास में बिलीनियर के साथ रहने का मौका मिलेगा, लेकिन लीथन फिर भी नहीं मानता है। तब मिस्टर रॉस लीथन को उसकी बीवी जोया से मिलाने के लिए आते हैं, जो एक नाइटकार नाम की एक रंडी खाने में होती है। फिर भी लीथन नहीं मानता है। तब उसे 130 डब्बों वाले एक शानदार डब्बों में ले जाया जाता है, जहाँ पर खाने की बहुत ही आलिशान व्यवस्थाएं होती है। लीथन ये सब चीजें गौर से देख ही रहा होता है कि तभी मेलेनी भी वहाँ पर आ जाती है। तब लीथन मेलेनी से कहता है कि तुम मुझे लालच दे रही हो, पहले मेरी बीवी और अब ये सब कुछ दिखा रही हो ताकि मैं टेली तुम्हारा ये केस ले लूं। इधर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेली में सभी लोग और इवान को बर्थडे विश कर रहे हैं, और तभी इवान कहता है कि मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ दो। फिर अगले सीन में ओल्ड इवान सुसाइड कर लेता है, जिससे सभी टेली गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पहले लीथन को भी ले गए और अब इवान ने सुसाइड कर लिया, और सब लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। जब टिल और ओलिवर इवान की डेड बॉडी को लेने के लिए आते हैं, तब सभी टेली इसी मौके का फायदा उठाकर टिल और गार्ड्स पर कर देते हैं। फिर जो एक गार्ड का हार्ट काट देता है, जिसे एक छोटी सी लड़की उठाकर अगला दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां पर गार्ड्स मौजूद होते हैं। इधर लीथन मेलेनी से कहता है कि मुझे वापस टेल में भेज दो तो मैं ये सब कुछ रोक सकता हूँ।
फिर लिथन टेल में आता है और पाइकियो और जी तीनों को सरेंडर करने के लिए कहता है ताकि मिस्टर वेलफेयर उसे ट्रेन से बाहर नहीं फेंके और सब कुछ चोर की सजा पाने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। इधर रोच और रोच चाहते हैं कि सर गार्ड्स की मौत के बदले सर टेलिस को मारना होगा, लेकिन तभी लिथन केस लेने के लिए मान जाता है और मेलेनी भी चाहती है कि और मेलेनी भी अपना फैसला बदल देती है क्योंकि अब मेलेनी भी चाहती है कि ट्रेन में ज्यादा लाशें न दिखे और मेलेनी रूथ को एक हाथ काटने के लिए भेज देती है। इधर मेलेनी अपने रेस्ट रूम में नहाकर ट्रेन के मैन ड्राइविंग कोच में जाती है जहां मेलेनी का एक इंजीनियरिंग दोस्त बेन बताता है कि मेलेनी ही मिस्टर वेलफेयर है और यहां पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।